उत्तराखंड हरिद्वार के ज्वालापुर पुलिस ने किट्टी किंग शिवानगी त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। शिवानगी त्रिपाठी पर करोड़ों रुपए ठगी करने का आरोप है। श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा वाइफ ऑफ दिनेश मिश्रा ज्वालापुर ने कोतवाली ज्वालापुर में किट्टी किंग शिवानगी त्रिपाठी के खिलाफ आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा ने पुलिस को बताया कि किट्टी किंग शिवानगी त्रिपाठी ने मुझको घर बुलाकर मारपीट की और पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। वहीं किट्टी किंग शिवानगी अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बता रही है। हरिद्वार से लाइव अभी तक के लिए तसब्बर हुसैन की रिपोर्ट। शिवानी त्रिपाठी, पुलिस ने किस आरोप में पकड़ा आपको? अभी कुछ दिनों से कई किटी प्रकरण चल रहे हैं, तो उसमें एक किटी संचालिका मैं भी हूँ। उसमें ऐसा नहीं है कि हम उस जगह से हिले हैं जहाँ पे हम थे। इस समय शहर में 13 किटी प्रकरण वाले भाग चुके हैं। एक शिवांगी त्रिपाठी काना उत्पादी भी ऐसी है जो शहर में अभी तक है और लोगों का सामना कर रहा है। जिन लोगों से पैसे नहीं दिए लोग आरोप लग रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जी, इसमें 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ का पेमेंट मैं दे चुकी हूँ। कल जो ये आरोप लगे हैं, इनमें कुछ लोग आरोप लगाने वाले वो भी थे जिनका पैसा मिल चुका है। इनमें कुछ लोग सिर्फ वो हैं जो एक दूसरे को भड़का रहे हैं और लड़ाई झगड़ा करवाना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं है। जिनको हमने पैसा दिया है, उनका कार्ड, उनका आधार और उनकी फ़ोटो और उनके हाथ से लिखित प्रूफ हमारे पास है। तो ये किटी किंग पकड़ी गई है सर, किस मामले में पकड़ी गई सर? ये कल श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा ने थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया कि किट्टी पार्टी के नाम से शिवांगी त्रिपाठी ने सैकड़ों महिलाओं के करोड़ों रुपए हड़प लिए हैं, और जब भी वो लोग पैसे मांगने के लिए जाते हैं तो उनके साथ मारपीट करती है, गाली गलौज करती है, जान से मारने की धमकी देती है। इस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया गया और अभियोग के पश्चात में शिवांगी त्रिपाठी की गिरफ्तारी की गई है और उसे आज माननीय न्यायालय पेश किया।